संचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है। ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सचिव एसके गुप्ता ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने आज गुरुवार प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के साथ एक बैठक की। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगम और व्यवधान मुक्त सेवा के लिए विकल्पों का चयन कर सकें। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि नए नियम के तहत डीटीएच या केबल उपभोक्ताओं को कम पैसे में टीवी चैनल चुनने की आज़ादी होगी। टेलीविजन सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं पर मासिक बिल का भार भी घट जाएगा। अलग अलग चैनल के ज्यादा पैसे, अगर अपनी सुविधा के अनुसार चैनल चुनते हैं तो यह हो सकता है कि इसकी कीमत तो आपको यह सस्ता पड़े, लेकिन अगर आप अलग अलग चैनल्स देखते हैं या फिर ज्यादा चैनल्स को देखना पसंद करते हैं तो आपको तो यह आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। ट्राई के मुताबिक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC द्वारा दिए गए दर्शकों के पैटर्न के अनुसार 80% ग्राहक 40 या उससे कम चैनल्स को देखते हैं। यदि कोई उपभोक्ता सोच समझकर चैनल का चुनाव करता है तो हर महीने से कम चार्ज देना पड़ेगा। मिलेगी यह सुविधा। सभी केबल और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को वेबसाइट के जरिए चैनल चुनने और ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दे। वेबसाइट पर चैनलों की लिस्ट और कीमत उपलब्ध होगी। इसके अलावा ग्राहक कॉल सेंटर के जरिए भी चैनल का चुनाव कर सकते हैं। नए टैरिफ प्लान के नियम से हर प्लेटफॉर्म पर सभी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा चैनलों की घोषित कीमत समान होगी, यानी उपभोक्ता अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के एक चैनल देख रहे हैं तो उनका भुगतान भी समान होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।